अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सेवन क्लास, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश बी का ऑपोजिट वर्ड्स। ये आपके नोट्स में पेज नंबर 4 है। ऑपोजिट वर्ड्स यानी उर्दू में इन्हें मुतजाद अल्फाज बोला जाता है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल उलट जो चीज़ होती है उसे हम इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स बोलते हैं। जैसे सबसे ऊपर जो इस पेज के दो एग्जांपल्स दी गई हैं, इट इज़ अ बिग फ्लावर, इट इज़ अ स्मॉल बर्ड। ठीक है, तो ये जैसे बिग और स्मॉल एक दूसरे का ऑपोजिट है, यानी बिग होता है बड़ा, स्मॉल होता है छोटा। ठीक है, यानी इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम ऑपोजिट वर्ड्स या उर्दू में मुतजाद अल्फाज कहते हैं। ठीक है, आगे ये जो आपको एक टेबल दिया गया है उसमें कुछ ऑपोजिट वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो देख लें। जैसे बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, थिक मोटा, थिन पतला, लेफ्ट राइट, फास्ट स्लो, सिक हेल्दी, डे नाइट, डर्टी क्लीन, ब्लैक वाइट, अप डाउन, हैप्पी सैड, हैवी लाइट, सॉफ्ट हार्ड, लेजी एक्टिव, फैट थिन, डिफ़िकल्ट ईजी, गुड बैड। ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स हैं। आगे उन्होंने मैचिंग के लिए ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, ये आपने होम टास्क के तौर पे, होमवर्क के तौर पे ख़ुद से करने हैं। यानी ये जैसे फर्स्ट है क्लीन, तो क्लीन को आप मैच करेंगे डर्टी के साथ, यानी क्लीन होता है साफ़ सुथरा, डर्टी गंदा। ठीक है, फास्ट को आप स्लो के साथ, यानी फास्ट तेज़, स्लो जो है वो कम रफ्तार आहिस्ता, तो ऐसे आपने इनकी मैचिंग करनी है। और आगे उन्होंने कहा है राइट दी ऑपोजिट्स, यानी ये जो वर्ड्स दिए गए इनके ऑपोजिट्स आपने लिखने हैं। जैसे गुड का ऑपोजिट बैड, टॉल का शॉर्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग का वीक, सिक का हेल्दी, बिग का स्मॉल। तो इस तरह से आपने ये खुद से करने हैं, इन ऑपोजिट्स को आप लिखें और ऊपर वाले जो हैं उनकी मैचिंग करें। बस यहीं तक आपका काम है, ये आपने अच्छे से करना है होमवर्क के तौर पर, इसको याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।